मोदी जी तो जुमलेबाज हैं, ये तीन आदमी के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी जितना भगोड़ा जो देश के लोग पूंजीपति लोग है। अब यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है बिहार का, इस पर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो फलना जाति यादव जाति कौन कौन जाति करते रहता है ये सब। देखिए अब आप तो हर बतवे में राजनीति है। अब देखिए कल राहुल गांधी चल गए बड़े कारपेंटर के पास, राहुल गांधी अपना कौशल विकास कर रहे हैं, इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। तो हमको तो वैसा ही नेता ही चाहिए कि जो कुलियों का भी नेता हो, मजदूर का भी नेता हो, किसान का नेता हो, पॉलिटेक्निक वाले का नेता हो। इंडिया उनको प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, आप बन भी जाते हैं तो हम कहेंगे ना शान से कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन है। हाँ हाँ, वो सब जानता भाई, कूली का काम भी कर लेता है, बढ़ई के साथ भी काम कर लेता है, पता नहीं भविष्य में और कितना कितना काम करेंगे। बूट वाले नेता है, गरीब के हित में कहाँ से काम करेंगे। कहते हैं कि विदेश जाएंगे तो सूट बूट नहीं पहन के जाएंगे तो ऐसे ही चल जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बने हैं तो क्या सूट बूट पहन के वो जीते। मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा रोजगार का होगा, मुद्दा देश में अमन शांति भाईचारा का होगा, यही दिखता है, और क्या मुद्दा होगा। अच्छा ऐसा किस में गुण लगता है कि कौन ऐसा कर सकता है जो बेरोजगारी दूर कर सकता है, देश में अमन चैन ला सकता है। अभी तो ऐसा एक ही नेता है देश में जो राहुल गांधी दिखता है कि ये सब जो मुद्दा है इस पर कुछ हद तक वो काबू पा सकते हैं। अच्छा मोदी जी क्यों नहीं। मोदी जी तो जुमलेबाज हैं, ये तीन आदमी के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी और जितना भगोड़ा जो देश के लोग पूंजीपति लोग है पैसा लूट के भाग गया, ये तो गरीब की बात करते नहीं हैं। इनके राज में तो अमन शांति सब भंग है, भाईचारा भंग है। कैसे भाईचारा भंग है, वो बोल रहे हैं भाईचारा एक साथ है एकदम, हमेशा कहते हैं कि गरीबों के हित में हम काम करते हैं, हमेशा हमेशा राशन सभी के करते हैं। अच्छा क्या दिक्कत है। सूट बूट वाले नेता हैं, गरीब के हित में कहाँ से काम करेंगे। कहते हैं कि विदेश जाएंगे तो सूट बूट नहीं पहन के जाएंगे तो ऐसे ही चल जाएंगे। ऐसा नहीं ना है, विदेश जाएंगे सूट बूट, और भी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी बने हैं तो क्या सूट बूट पहन के वो जीते। देश को आगे चंद्रयान 3 चला गया चांद पे, उन्हीं के रीजन में, उनके रीजन में चंद्रयान 3 चल गया, चंद्रयान 1 भी गया है ना देश में, तो ऐसा कुछ थोड़ी है। वो तो एक अलग मिशन है अपना बढ़ रहा है। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि इसरो को यही बनाए थे। हाँ। इसरो को भी बनाने वाला इस देश। जुमला आप कैसे कह रहे हैं, जुमला कैसे कह रहे हैं। जुमला तो इनका जुमला ही ना कहा जाएगा, ये 15 लाख दे दिए सबके खाते में नहीं आया, तो बोलिए ना आपके खाते में आया क्या। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे खाते में नहीं आया। नहीं आया तो बस, मेरे खाते में भी नहीं आया और लोग के भी खाते में नहीं आया। तो जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं एकदम नहीं। 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ज्यादा उम्मीद है राहुल गांधी के बनने का। ज्यादा उम्मीद है, पूरा उम्मीद नहीं है। अब पूरा उम्मीद तो अब देश देखिए एक व्यक्ति से नहीं ना, अब हम अपना राय रख रहे हैं। देश में तो विभिन्न मत के लोग हैं, अपना देश तो माने जनसंख्या के आधार पर बहुमत के आधार पर का मत है राहुल गांधी। जी जी, राहुल गांधी को लोग तरह तरह के बयान देते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, कभी कूली बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए। ऐसा देश में जब चौमुखी विकास चाहिए तो देश में सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है कि देश का विकास सिर्फ इंजीनियर्स से हो रहा है। एक मजदूर भी अगर है तो देश के श्रम में उसका भी योगदान है बढ़ाने में आगे। तो हमको तो वैसा ही नेता ही चाहिए कि जो कुलियों का भी नेता हो, मजदूर का भी नेता हो, किसान का नेता हो, पॉलिटेक्निक वाले का नेता हो, लॉ वाले का नेता हो, हमको तो वैसा ही बहुगुणी नेता ही चाहिए। क्या मुद्दा होगा 24 में और क्या कुछ कैसे वोट कीजिएगा, क्या मुद्दा होगा, किसको कौन अच्छा था? मुद्दा तो आए तब तो। हाँ। अरे भाई सब लोग अपना साझा घोषणा पत्र लावे, एनडीए अपना मैनिफेस्टो लावे, सबको तो लाना ही है अपना अपना घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र तो जी, घोषणा पत्र तो पार्टियां लाएंगी ना, लोक लुभावना घोषणा पत्र तो लाएंगी और उसको क्रमानुसार उसका अध्ययन किया जाएगा। हाँ, कौन कितना कह रहा है और कितना पूरा करेगा, तदुपरांत ही कोई बात होगी ना। हाँ ऐसा मुद्दा नहीं है आपका। मेरा मेरा तो समस्या ही समस्या है, रहने की समस्या, खाने की समस्या, पहनने की समस्या, छत की समस्या, मेरी तो दवा की समस्या, मेडिकल की समस्या, मेरी तो समस्या ही समस्या है। 70 वर्ष का मैं हो गया, अभी भी समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूँ। फिर ये आम आदमी की समस्या, मेरी समस्या नहीं। 24 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री आपके।
देखिए अभी तो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सुनिए मेरी बात ना, और इंडिया पार्टी ने उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं की, पौने 3 महीने बीत गए। हाँ, पटना की बैठक, बंगलोर की बैठक, मुंबई की बैठक और दिल्ली में 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक, और अभी भी उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन इसकी घोषणा अभी भी नहीं हुई है। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, साझा घोषणा पत्र नहीं आया, ब्लॉग नहीं। एक चीज़ और, बिहार की जिस तरह से गर्माहट हो रही है, सियासी गर्माहट, मनोज झा ने जिस तरह से बयान दिया है ठाकुर वाले को और ठाकुर के जो लोग हैं उस पर, लेकिन जो राजपूत समाज है वो लोग एकदम पूरे उग्र हो गए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन और तरह तरह के बयान, तो वो कह रहे हैं कि ये ठाकुरों का नहीं है, हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान में से ठाकुरों को निकालना होगा, इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए जो मनोज झा ने जो कविता पढ़ी और उस पर जो प्रतिक्रिया राजपूत के नेताओं ने भी की, तो उसमें तो एक राजपूत नेता ने यहाँ तक कहा कि मनोज झा का सर कलम हो जाएगा, जीभ काटने की भी बात है, जीभे नहीं सर कलम हो जाएगा उनका, जीभ तो है कि वाणी फिर नहीं निकलेगी, सर कलम हो जाएगा मनोज झा का। अरे राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा ये बात, समझे ना, कविता बहुत पुरानी है, लेकिन अब क्यों ऐसे सियासी गर्माहट हो रही है? देखिए अब कौन कौन कब कब कविता निकालेगा, कभी माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब भी रामचरितमानस पे बोलते जा रहे हैं, समझे ना, जबकि उनको कहा भी गया कि भाई उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई आप कम से कम ये सब बातें नहीं बोलिए, सनातन धर्म के विषय में आप क्यों बोलते हैं? अरे राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। मनोज झा ने कहाँ तक सही कहा, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए वो तो अपने, तो उन्होंने कहा तो वो तो अपने नज़रिया में सही है, अब बहुत से लोग उनको हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, इवन कि लालू जी ने भी हाँ में हाँ मिलाया कल कि नहीं बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब राजपूत नेता लोग पूरे गर्म है कि सरे कलम कर देंगे, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा पहले की कविता है कहीं ना कहीं, अब क्यों ऐसे वो बोल दिए हैं? ए भाई नेता की बात, ये भी बोला था कि जाति की टिप्पणी नहीं है, नेता की बात नेता ही समझे, वो क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, कहां से बोलता लगता है, राजनीति इसमें है क्या कुछ? अब देखिए अब आप तो हर बतवे में राजनीति है, अब देखिए कल राहुल गांधी चल गए बड़े कारपेंटर के पास, अब कुली के साथ भी घूमे, हाँ कुली लोग के साथ मैकेनिकल मैकेनिक भी बन गए थे, हाँ तो अब लेकिन राहुल गांधी अपना कौशल विकास कर रहे हैं इस बात को लेके मुझे बहुत खुशी है। 24 में वही आने चाहिए आपके अनुसार? नहीं समझे, अभी तो मोदी सरकार तो कौशल विकास पर जोर दे रहा है जी, कौशल तो राहुल गांधी अपना कारपेंटर के पास जाके अपना कौशल विकास कर रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे कि वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हैं और देश का अगर मान लिए कि उनको इंडिया उनको प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, आप बन भी जाते हैं तो हम कहेंगे ना शान से कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन है। हाँ हाँ, वो सब जानता है भाई, कूली का काम भी कर लेता है, बढ़ई के साथ भी काम कर लेता है, पता नहीं भविष्य में और कितना कितना काम करेंगे ये मैं नहीं जानता, वो तो भविष्य बताएगा। हाँ तो हाँ ये सब बातें हैं। युवा कुछ हैं, जिस तरह से एक बयान आया है ठाकुर जो एक कविता है उस पर मनोज झा ने बयान दिया, जिसके बाद जो सियासी गर्म हो गए हैं, ये बयान सुने आपने? जी हम ये सोशल मीडिया पे देखा, ये काफ़ी वायरल हो रहा है, ये इसको कैसे देखते हैं? ये जो कविता काफ़ी पुरानी है लेकिन मनोज झा ने जिस तरह से संसद में बोला उसके बाद बवाल मच गया, जो भी जो बिहार के जो राजपूत समाज हैं वो लोग उग्र हो गए लगातार बीजेपी में। भी सबसे पहले इन लोगों को एजुकेशन की कमी है, जातिवाद तो करना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, चाहे जादव हो ब्राह्मण हो बैर हो कोई भी हो, इन लोगों को एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर ध्यान नहीं दे करके ये लोग जातिवाद पर ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी देश आगे बढ़ेगा, ऐसे मेरा देश थोड़ी विश्वगुरु बनेगा। इन लोगों के अभी यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है बिहार का, इस पर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, तो फलना जाति यादव जाति कौन कौन जाति करते रहता है ये सब, कब तक ये सब चलेगा? राजनीति है, प्योर राजनीति है ये सब। अच्छा ये बताइए 24 का चुनाव अब नज़दीक है, तो किस मुद्दे पर आप चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री का? एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन सेकेंड, हेल्थ चाहिए, बेरोजगारी महंगाई इस पर होगा।
महंगाई बहुत बढ़ गई है, अभी देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी गैस पे अभी 200 रुपया कम कर दिए हैं, ना तो अभी 1200 रुपया था, अभी 1000 कर दिए हैं, उसको थोड़ा और कम किया जाए। युवा लोग बेरोजगार बुआ रहा है, वैकेंसी निकालनी चाहिए। जैसे अभी बीपीएससी की वैकेंसी निकली 12000, कम से कम उस पर और बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये बिहार सरकार निकाला, केंद्र सरकार को भी निकालनी चाहिए वैकेंसी। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, अभी दरभंगा एम्स के बोले हैं बन गया, वो बना नहीं है, उसको बनानी चाहिए। ये सब पे बात होनी चाहिए। तो ये लोग बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी, एजुकेशन। चलिए, तो जिस तरह से हम पटना जंक्शन पर आए थे और 24 का चुनाव नज़दीक है, तो लोगों का राय जानना जरूरी था कि 24 में किस मुद्दे पर वोट करेंगे। और जिस तरह से एक कविता जो मनोज झा ने संसद में बोला था, ठाकुर वाला जो कविता है, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, उस पर भी हम लोगों का राय जाने। लोगों ने क्या कुछ कहा, अपने साफ तौर पर सुना, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।